कि जो इंटरफेस होता है वो इस तरह का होता है। सो गाइज, इसकी जो है ना मेंबरशिप का, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सारे इसकी मेंबरशिप लें। दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप इसे इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे ख्याल में तो चीप ही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 1500 रुपये में 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसके फीचर्स हैं वो कितने हैं। आप रिमूव वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं विवा का, उसके अलावा एक्सपोर्ट इन H1080p, मतलब कि हाईएस्ट क्वालिटी जो होती है वीडियो की, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टाइम लिमिट्स रिमूव कर सकते हैं, नो एड्स, मतलब कि जो आपको एड्स वगैरह आ रहे होते हैं आप उसे रिमूव कर सकते हैं। की फ्रेम्स आ सकते हैं, म्यूजिक एक्सट्रैक्शन आ सकती है, और काफ़ी कुछ है, मतलब कि अनलिमिटेड ऑप्शंस आपको फ्री VIP में मिल जाते हैं, जो इसका है ना प्रो वर्जन और इसके परचेज वर्जन है। तो मैंने ऑलरेडी से परचेज किया हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे तो हेल्पफुल है इस चीज़ में। अच्छा, उसके अलावा जो आप लोगों को ये नीचे स्क्रीन, ये एडिट वीडियो का ऑप्शन एक सामने नज़र आ रहा है, स्लाइड शो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, कैप्चर का नीचे आ रहा है, सेल्फी, म्यूजिक लेंस, और उसका PIP होता है, पिक्चर इन पिक्चर मोड, ठीक है, और PIP फिल्म होती है कि पिक्चर इन पिक्चर मोड की फिल्म, अगर आप बनाना चाह रहे हो कि आप उसके पार्ट्स, अक्सर आप कभी रिएक्शन वीडियोस देखते हैं ना, तो उसमें रिएक्शन वीडियोस पिक्चर इन पिक्चर मोड पे होता है ना, एक ऊपर पिक्चर होती है और रिएक्शंस नीचे दे रहे होते हैं लोग, अपने एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं उस वीडियो के ऊपर, तो वो इस सॉफ्टवेयर से वो भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो एडिट के साथ लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रहा है मी का ऑप्शन, उसमें आपके सारे ओल्ड डिज़ाइंस पड़े होते हैं जो आपने बनाए होते हैं सो फार, ठीक है। तो ये मेरा एक डिज़ाइन मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सारा, तो मैंने सारी ये जितना भी एडिटिंग है वो इस सॉफ्टवेयर से की हुई है। ये एक बेसिक एडिटिंग थी, तो आप लोग इससे कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मी एडिट पे आके ना, जो आपका सबसे पहला फीचर है ना वो एडिट वीडियोस पे है, ठीक है। जब आप एडिट वीडियो पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको एक नए इंटरफेस में ले जाते हैं जिसमें ये सारी, मतलब कि आप क्या थाउजेंड्स ऑफ, मतलब कि आप अपनी वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक वीडियो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी तरह आप इसके साथ लेफ्ट साइड पे पिक्चर्स का ऑप्शन आ रहा है, आप कोई सी भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप वो पिक्चर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज पिक्चर्स, ठीक है, आप अपनी मर्जी से पिक्चर्स सेलेक्ट कर लें। मैं 3-4 पिक्चर्स यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे लग रहा है इस वक्त मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, मैं कोई सी भी रैंडमली 3-4 पिक्चर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आप जब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको न्यू एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे अब आपकी सारी, उसका क्या नाम है, एडिटिंग के जितने भी फीचर्स हैं ये सारा कुछ एडिटिंग का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो क्लिप एडिट है ना, ये आपका ये पूरा ऐड हो चुकी है, वीडियो ऐड हो चुकी है, ये एक वीडियो थी, ठीक है, उसके साथ ये पिक्चर थी, फिर एक और पिक्चर थी, ये जो आपको ये साथ में ये एक कट्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पिक्चर्स के साथ दोनों साइडों पे, ये कट्स इसलिए हैं कि आप लोग, मतलब कि मुख्तलिफ जगहों को आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो के अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, तो आप इसके ऊपर एक तो ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिशन पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कैनवा, ये सॉरी विवा के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें कितने फीचर्स नज़र आ रहे हैं। मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ, तो कोई सा भी एक फीचर, ठीक है, और मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो जब नया आएगा ना, तो आप देख रहे हैं उसके ऊपर हम लोगों ने एक ट्रांजिशन ऐड कर दी है। ट्रांजिशन आपको पता है, आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह पे कभी ना कभी ऐड की होंगी आप लोगों ने, तो ये ट्रांजिशन ऐड हो रही हैं, ठीक है। ये जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, ये सब ऑप्शंस आपको कैनवा विवा के ऊपर डाउनलोडेड मेरे, आप कोई सा भी एक ऐड कर दें, उसका फिर बैक का बटन दबाएं तो ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए नीचे ड्यूरेशन का ऑप्शन आ रहा है, ड्यूरेशन पर क्लिक करें,
और इसके थ्रू ये देखें आपको मैक्सिमम 10 सेकंड पर पिक्चर की ड्यूरेशन कर सकती हैं आप, ये ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, 1 सेकंड मिनिमम कर सकती हैं। तो मतलब आपका ये भी मल्टीपल ऑप्शन है कि आप कितनी ड्यूरेशन देना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड जो ड्यूरेशन होती है वो 3 सेकंड होती है, ठीक है, कैनवा पे, ये विवा पे, ठीक है। तो आप ये इसे 3 सेकंड पे कर लें, ठीक है। और ये बाकी सारी आप पिक्चर्स देखेंगे ना तो आपको 3 3 सेकंड्स की ही मिलेंगी। ये देखिए 3 सेकंड नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्लिप्स ऐड हो चुके हैं सारे यहाँ पे, ठीक है। ये एक वीडियो थी जो मैंने ऐड की थी, ठीक है, और बाकी सारे क्लिप थे, आप लोग देख सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप लोग इसे प्ले करके सारा साउंड वगैरह कोई इशू है, ठीक है, आप लोगों का ये जो बेसिक है ना, सबसे अभी ये बेसिक हमने किया है, ठीक है। हमने वीडियोज़ ऐड कर ली है, अच्छा इसके अंदर अब कंपाइलेशन हो चुकी है वीडियो की, ठीक है। अच्छा आप वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पीड का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ये स्पीड ज़्यादा कर दी है, मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 0.25। आप सबसे स्लो कर सकते हैं, आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैं करूँगा तो आपको मैं एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि वो क्लिप छोटा हो जाएगा, 7 सेकंड का हो गया जो 30 सेकंड का था अप्रोक्स, ठीक है। इसी तरह आप लोग उसके अलावा साथ आपको ऑप्शन आ रहा है ट्रिम का, आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो ट्रिम कर सकते हैं, उसके साथ कैनवास का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप किस रेशियो में वीडियो बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपको वहाँ पे ऑप्शन आते हैं ना कैनवा पे कि आप रेशियो दे रहे हैं, रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आप उस रेशियो के हिसाब से इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी अपनी डिजायर्ड रेशियो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड्स का ऑप्शन आ रहा है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स आप डाल सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ ये बैकग्राउंड्स की होते हैं, जैसे अब आपने एक ये पिक्चर वीडियो जो है ना मेरे पास, ये 9:9 की है, तो जब मैं इसे 9:9 में रख के एडिट करूँगा तो सही होगा, लेकिन जब मैं इसे 4:5 या 1:1 में ले जाता हूँ ना तो आपको अब ज़्यादा फ्रेम चाहिए, ठीक है। क्योंकि 9:9 को पूरा करना है और उसने किसी ना किसी उसकी विड्थ और लेंथ में इजाफा करके ही करेगा। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने उसकी जो लेंथ है वो चेंज कर दिया, ठीक है। ये इतने फीचर, एडवांस फीचर्स जो है ना, ये आपको एक ठीक है, ये आपको तब मिलते हैं जब आपके पास परचेज वर्जन पड़ा होता है, ठीक है। तो प्रेफर करेंगे आप लोग कैनवा को, मैं पहले तो किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं कहा परचेज करने को, लेकिन मैं विवा का यही कहूँगा कि आप लोग परचेज करें, आपके तकरीबन 90% तक वीडियो एडिटिंग के काम कैनवा पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो का क्लिप ऐड हो गया, और हमने ड्यूरेशन का मैंने आपको बता दिया है, पिक जूम इन और जूम आउट का भी मैं बता देता हूँ। ये जूम और ये जूम इन आउट, वही जो लेआउट का ऑप्शन था, ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह आउट है, ठीक है। अगर आपको कोई नई वीडियो ऐड करनी है तो आप प्लस का बटन दबाइए जो आगे आ रहा है, उसके अंदर कोई भी एक नई वीडियो ऐड कर लें, ठीक है। तो आप उसको वीडियो को ऐड कर लें। उसके अलावा जो आपको फर्दर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उसमें एंड ऐड कर सकते हैं आप लोग एक अपना, ठीक है। जैसे वीवा की तरफ से आ रहा है कि आप लोग ये वीवा फोल्डर की तरफ, वीवा वीडियो एडिटर की तरफ से है, तो आप इसे अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, या जैसे दर इंसानियत में डाल लेता हूँ या कुछ और, ठीक है, तो वो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं डाल रहा फिलहाल क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बैक एंड के लिए वही जो कैनवा पे ऑप्शन होता है बैक करने के लिए, अनडू करने के लिए, वो बैक का बटन दबा दें, ठीक है, और अनडू हो चुका है अब सब कुछ, ठीक है। अच्छा अब जो अब फर्दर ऑप्शंस जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने देख लिया मैंने बेसिक काम सारा वीडियो का हो गया, ठीक है। अब जो इफेक्ट्स हैं वो सब कुछ आपको मैं पहले, सबसे पहले हम लोग चाहते हैं थीम्स के ऊपर, ठीक है। थीम्स के ऊपर आपको नन में करेंगे तो नन कोई भी थीम नहीं होगा उसका, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के थीम्स अवेलेबल हैं। थीम्स आप तब यूज़ करते हैं जब आपको मतलब के ज़रूरत होती है किसी थीम की, ठीक है ना। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ थीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आप कैनवा के अपने थीम्स है, कैनवा के फिर एक गैलरी है, एक उसकी शॉप है, उसमें आप जाके थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास प्रो वर्जन पड़ा हुआ है तो। 1500 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको हेल्प बहुत करता है, पूरा एक साल आप यूज़ कर सकते हैं 1500 रुपीज़ में, तो दिस इज़ अ बिग डील। वरना आप एक सौ वीडियो एडिटर को एक वीडियो बनाने का कम वो 500 रुपया लेता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना, उसके हिसाब से आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी वीडियोज़ ऐड कर लें, ठीक है। तो ये अपना आपको ये थीम दे दें, जैसा मैं कोई थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कोई एक ये थीम सेलेक्ट कर लिया, या कोई सा भी मैं एक थीम सेलेक्ट करके वो दे देता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। यूं ही मैं इसे थीम दे दूंगा ना तो इट विल लुक डिफरेंट। आपको जैसे वहाँ पे था ना वो क्विक पे मुख्तलिफ किस्म के थीम्स थे, आप कोई भी थीम अप्लाई करते थे और उस हिसाब से वीडियो प्ले होती थी, ये भी अब वही चीज़ है। जैसे अब आप देख रहे हैं
अब डिफरेंट स्टाइल्स पे वीडियोस प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना ये थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, थीम आप कोई भी सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियोस पर डिपेंडेंस होता है। शादी की वीडियो बनानी है, शादी वाले थीम्स पड़े हैं, कोई ग्रीटिंग्स वाली वीडियो बनानी है वो पड़े हुए हैं, एजुकेशनल वीडियो उसके भी थीम्स पड़े हुए हैं। तो ईच एंड एवरी थिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर, ठीक है। यूथ, किड्स, सिंपल, बर्थडेज, तो एवरी थिंग इज़ अवेलेबल, ठीक है। जो इसके साथ राइट साइड पे ऑप्शन है ना, वो है म्यूज़िक का, ठीक है। जब आप म्यूज़िक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे आप म्यूज़िक ऐड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये नीचे देखें, ऐड म्यूज़िक और ऐड साउंड इफेक्ट्स आता है, ठीक है। अब आपकी जो मर्ज़ी है। अच्छा, मैं इस बच्चे की जो आवाज़ है ना, मैं बच्चे की आवाज़ को टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ, टर्न ऑन भी कर सकता हूँ। सबसे पहला तो ये फीचर है, ठीक है। उसके साथ जो फर्दर फीचर मिल रहे हैं उसमें ये है कि ये नीचे आपको टर्न ऑफ और ऑन के साथ नीचे ऑप्शन मिल रहा है रिप्लेस म्यूजिक का। आप अपना कोई नया म्यूजिक भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाके योर म्यूजिक, ऑनलाइन में आपको ये सारे ऑनलाइन म्यूजिक मिल जाएंगे और योर म्यूजिक में आप लोगों का अपना फोल्डर होगा, ठीक है। मैं वहाँ से एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक स्केचेस, ठीक है। या आप यहाँ से आप उसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको ड्यूरेशन चाहिए आप वही ड्यूरेशन ऐड करें, ठीक है। इसे यूज़ करें, अब देखें ये अब वो म्यूज़िक ऐड आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसके बच्चे की आवाज़ ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ वो म्यूज़िक रहने देते हैं, तो वो एक और डिफरेंट इफेक्ट आ जाए। अच्छा, इससे अब एक नुकसान हो रहा है, ठीक है, कि ना मुझे वीडियो अनडू करने में ना एक मसला आ रहा है, ठीक है। तो मैं एग्जिट डायरेक्टली करके फ़िलहाल मैं ना इसको दोबारा मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडिट में करके मैं अब सिर्फ बच्चे की वीडियो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो को ऐड करके। अच्छा, मैं इसकी ड्यूरेशन अभी कम नहीं कर रहा हूँ, 29 सेकंड किया। तो मैंने सिंपल अभी मैं आपको बता रहा था म्यूज़िक कैसे ऐड करना है। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए आप लोगों ने वही तरीके का आ रहे, ठीक है। म्यूज़िक बच्चे का ऑन करना है, ऑफ़ कर दें, ऑफ़ करना है, ऑफ़ कर दें, ऑन करना है, ऑन कर दें, ठीक है। मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। और इधर से मैंने गैलरी से एक म्यूज़िक डाल रहा हूँ, ठीक है, ये स्केचर्स का नाम का, और ये तकरीबन मैं इस दरमियान से डाल रहा हूँ। तो ये मेरा म्यूजिक इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा यूज यूज के ऊपर क्लिक करके, और ये मेरे पास ये म्यूजिक आ गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि आप लोगों का जो बेसिक है ना वो सारा हो चुका है, ठीक है। अब म्यूज़िक भी ऐड हो चुका है, और इसके अलावा इसी तरह आप पिक्चर्स के भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। आप एक वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी जैसे जैसे वीडियो प्ले हो रही है ना अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके वो ऐड कर सकते हैं। तो ये एडवांस फीचर्स हैं, और ये मैं लिटरली इसे मैं प्रेफर करूँगा अपनी बेसिक स्किल्स एडिटिंग के लिए और ये सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा ऐड साउंड इफेक्ट्स आते हैं, आप कोई भी अपनी मतलब कि एक साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉक टिक्स, साइंटिफिक की, फोन रिंग की, डोरेमोन की, उसके अलावा मतलब इस तरह डिफरेंट आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये डाउनलोड आप कर सकते हैं, मतलब कि अंदर काफ़ी कुछ है आपके पास इसके अंदर, एडवांस के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। वॉइस ओवर का भी मैंने आपको बता दिया वॉइस ओवर कैसे करना है और वो सब कुछ, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में भी मुझे स्टॉप करना चाहिए, अगर आप लोगों को इतना पहले आप लोग समझ लें तो बेहतर है, क्योंकि इसके बाद फिर शायद मतलब कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, अगर इससे आगे कंटिन्यू करवाना है तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में भी इतना काफ़ी है कि आप लोग ये बेसिक फीचर्स चेक कर लें। जी एनीवन, एनीवन,